हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय रिएक्शन चैनल। माय नेम इज़ राज पासवान एंड हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ़ यू। और आज की जो वीडियो है वो फर्स्ट ट्रेलर वीडियो है। मैंने आज तक किसी ट्रेलर वीडियो पे रिएक्शन नहीं दिया है, और वो भी बॉलीवुड के तो आज तक नहीं दिया। तो ये फर्स्ट मेरी बॉलीवुड की मूवी का ट्रेलर वीडियो है। और इस जो मूवी है इसका नाम है मुंबई सागा, मुंबई सागा। और इसमें मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है इसमें जो है जॉन अब्राहम है, इमरान हाशमी हैं, और सुनील शेट्टी हैं, और काजल अग्रवाल भी हैं। काजल अग्रवाल भी के एक्टिंग भी मुझे बहुत सही लगती है, और वो बहुत क्यूट भी हैं। सो सभी जो है अच्छे अच्छे एक्टर इसमें हैं। और जॉन अब्राहम में तो एक्शन मूवी तो ये होगा ही होगी, और ऊपर से इमरान हाशमी भी है इसमें। सो जॉन अब्राहम है तो एक्शन मूवी तो होगी होगी, और प्लस इमरान हाशमी। वाओ, ये कास्टिंग जो है कमाल की है, जो है करी है ये मूवी की। अगर मैं बात करूँ तो ये रिलीज़ होगी 19 मार्च को। तो अब देखते हैं ये मूवी कैसी है। ठीक है, ये 19 मार्च को थिएटर पे देखने के लायक है कि आगे जाके हमें वेट करना चाहिए जब तक ये टीवी पर नहीं आती। वो मैं ट्रेलर देखने के बाद आपको अपनी राय जो है शेयर करता हूँ आपसे। पहले हम देख लेते हैं ट्रेलर को, क्योंकि मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इसमें सभी अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं। तो देखते हैं कैसा ट्रेलर है। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 1 2 3 पक्का जॉन होगा। जिसने भी हफ्ता दिया अगला हाथ उसका कटेगा। हफ्ता बंद मतलब हीरो है। पूते में हाथ तूने काटा क्या? मेरे भाई को हाथ लगाया था उसने। मुझे लगा था ये हीरो होंगे, पर मेरे को लग रहा है धीरे धीरे नेगेटिव कैरेक्टर में जा रहे हैं। सबर कर, तेरा भी टाइम आएगा। टाइम तो हर किसी का आता है, मेरा दौर आएगा। महाराज उसी का चलता है, हिम्मत उसकी ताकत से बड़ी डरिंग है। बंदूक दिखा के डरा था क्या? बंदूक तो सिर्फ शौक के लिए रखता हूँ, डराने के लिए नाम ही काफी है। अमरत्या राव ऐसी मूवी में गणपति जी का एक सॉन्ग तो होता ही करूँगा। कैतान ने गायतुंडे से हाथ मिला लिया। कैतान का उड़ना बंद कर, गायतुंडे अपने आप जमीन पर आ जाएगा। चलती रेस में घोड़ा नहीं बदलता। घोड़ों के रेस में गधे पर दाब लगाया तूने। तेरी गाड़ी बुलेट प्रूफ है, तू नहीं। अमर्त्या राव ने एक रेप्यूटेड इंडस्ट्रियलिस्ट को बीच सड़क मार दिया। 10 करोड़ उस पुलिस वाले को जो अमर्त्या राव के सर में गोली डालेगा। क्या लगता है सर, अमर्त्या मरेगा? सवाल ये नहीं कि अमर्त्या मरेगा, सवाल ये कि 10 करोड़ का मैं करूंगा क्या। कॉन्फिडेंस है। उस चूहे को बोलो फिर से बाहर निकलने को। धोखे की खासियत है कि देने वाला अक्सर कोई खास ही होता है। वाह, अर्जुन को जो हुआ उसके बाद अब अमर को कोई नहीं रोक सकता। मेरी गोली से बचने के लिए तुझे बार बार खुशकिस्मत होना पड़ेगा, और मुझे सिर्फ एक बार। ये राग ने कहीं और सुना यार। आज किस्मत तुझ पे एक बार मेहरबान होती है या मेरे हिस्से के मौका में है। अभी एक मौका बाकी है। किस्मत ने आपका साथ दिया और आपने उस प्लेयर को मारा, तब कम से कम मैं बोल सकूंगा कि मैंने मौत से हाथ मिलाया था। ओके, संजय गुप्ता ने किया है इसको डायरेक्ट। वाओ भाई, मूवी तो थिएटर में देखने वाली है। ठीक है, मेरे व्यूज हैं कि मूवी को थिएटर में देखना चाहिए, कि फुल ऑन एक्शन पैक है और मुझे एक्शन मूवीज पसंद है। ऊपर से इमरान हाशमी बहुत टाइम के बाद किसी एक्शन मूवी में आए हैं। सही में मतलब याद करो कि इससे पहले इमरान हाशमी की कौन सी मूवी में वो मतलब एक्शन में
जो है दिखे थे, नहीं आ रहा ना, क्योंकि बहुत टाइम के बाद आ रहे हैं, तो ये बड़ी खास बात है। और इसमें जो डायलॉग लग गया था ना बीच में कि तुझे मुझसे बचने के लिए हर बार लकी होना पड़ेगा, पर मुझे तुझे मारने के लिए सिर्फ एक बार, ये डायलॉग मैंने सुना है किसी मूवी में भी। आई थिंक वो सलमान खान की मूवी थी, सलमान खान और जैकलिन भी थी उसमें, और मूवी का नाम मुझे याद नहीं, किक मूवी में भी सेम डायलॉग है जो रणबीर हुड्डा ने बोला था सलमान खान को। यस मुझे याद है वो। सो ये और ये जो को कैरेक्टर है ना इसमें जॉन अब्राहम का, एक सेम कैरेक्टर था इनकी एक और मूवी में, आई थिंक शूट आउट लोखंड वाला, उसमें भी कुछ ऐसा ही कि जो है कैरेक्टर था इसमें। सो जॉन अब्राहम इसमें नेगेटिव रोल में है और इमरान हाशमी पॉजिटिव रोल में है। चलो जो भी है, पर दोनों ही बहुत सही एक्टर हैं और मूवी धमाल होने वाली है। और सुनील शेट्टी भी हैं, कमाल है। सुनील शेट्टी की एक ना बड़ी अच्छी बात मुझे ये लगती है कि उनकी एज काफ़ी है, आई थिंक वो भी मतलब 50 प्लस के ही हैं, प्लस बॉडी बहुत सही है भाई, बॉडी और बियर्ड ना उनकी मुझे बहुत सही लगती है। सो ओवरऑल मूवी देखने लायक है थिएटर्स में, तो जब रिलीज़ होगी तो जाइए इंजॉय करिए 19 मार्च को। और अब मिलते हैं अपने अगली वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी संडे वंस अगेन।